नमस्कार साथियों, स्वागत है एक नए ब्लॉग में। मैं हूं आपके साथ पवन माली। आप देख रहे हैं पवन माली चंबल मन रायल यूट्यूब चैनल। तो साथियों, आज रक्षाबंधन का दिन है और अपन चल रहे हैं, आज सोमवार है, सोमवार का दिन है रक्षाबंधन के दिन ही। तो आज चल रहे हैं ठाकुर बाबा पे और घर से ही मैं वीडियो शुरू कर रहा हूँ और पूरा नज़ारा देखते चलेंगे और पूरा सिस्टम यहाँ पर ठाकुर बाबा तक चलेंगे। पूरा ठाकुर बाबा का जो जात भरी जा रही है, मेला लग रहा है, तो ठाकुर बाबा का दर्शन करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, बैक कैमरे से पूरा नज़ारा देखते चलते हैं और फिर वहाँ पर करेंगे, देखेंगे ठाकुर बाबा का मेला। तो आ चुके हैं साथियों अपन चंबे नदी के वेड़ों के पास में। तो आप देख सकते हैं जो चंबे नदी के वेड़ हैं, जिनके नाम से जाना जाता था जो चंबल के डाकू। तो आप देख सकते हैं पूरा सिस्टम, पूरा नज़ारा ये वेड़ों का जो चंबे नदी किनारे पाए जाते हैं जी वेड़। मैं उन भेड़ों की बात कर रहा हूँ साथियों, चंबन नदी किनारे जो भेड़ पाए जाते हैं एवं चंबन नदी के नाम से एवं भेड़ों के नाम से सरकार भी कांपती थी, प्रशासन भी कांपता था। तो दोस्तों, यहाँ पर खूंखार डाकू इस भेड़ में रहा करते थे। तो चलते हैं दोस्तों, बने रहें, पूरा वीडियो देखें और पूरा मिस ना करें, ठाकुर बाबा तक चलते हैं। अभी मैंने दिखाया है भेड़ों का वीडियो, अभी अपन चल रहे हैं रास्ते में से मैंने जो चंबे नदी किनारे जो भेड़ पाए जाते हैं, भेड़ों के बारे में मैंने आपको साथियों वीडियो बताया है। साथियों, इस भेड़ों में ऐसे खूंखार डाकू रहा करते थे, तो आप भी रूप भी काट उठेगी और आप गूगल पर सर्च करके देखें चंबे नदी किनारे कैसे कैसे डाकू पाए जाते थे और कैसे कैसे डाकू उसमें भेड़ों में छुपा करते थे और चंबे नदी एवं भेड़ों के नाम से जाने जाते थे और चंबे नदी एवं भेड़ों के नाम से चंबल के नाम से काफ़ी प्रशासन डरता था और चंबल के नाम से सभी प्रशासन कांपता था। एक चंबल एरिया और एवं भेड़ का नाम एक ऐसा था तो सभी प्रशासन डरता था। तो आप देख सकते हैं भेड़ का पूरा नज़ारा, चंबल एरिया के किनारे पाए जाते हैं ये भेड़ है। तो दोस्तों, बने रहें और अपन चलते हैं ठाकुर बाबा के मंदिर पर। भाइयों, अपन आ चुके हैं जो मन रायल अटारघाट सवलगढ़ वाली चंबे नदी जो राजस्थान मध्य प्रदेश के बीच गुजरती है, उस ब्रिज पर चल रहे हैं। ब्रिज का पूरा फुल नज़ारा देख सकते हैं और चंबे नदी का आप किनारे देख सकते हैं, पूरा नज़ारा देख सकते हैं चंबे नदी का। तो दोस्तों, मैं दूसरा वीडियो चंबे नदी का फुल वीडियो लेके आऊँगा, तो बने रहें लास्ट वीडियो तक। और अभी देखेंगे अपन पूरा नज़ारा जो अटारघाट ठाकुर बाबा का मंदिर है, ठाकुर बाबा के मंदिर का मैं वीडियो लेके आया हूँ और अभी जा रहा हूँ मैं ठाकुर बाबा के मंदिर। अभी ब्रिज का नज़ारा देख सकते हैं, अभी मैं रास्ते में चलता हूँ, तो बने रहें लास्ट वीडियो तक। साथियों, अपन आ चुके हैं मध्य प्रदेश की सीमा में, राजस्थान की सीमा से लेके मध्य प्रदेश की सीमा में आ चुके हैं और पूरा नज़ारा अभी ठाकुर बाबा पे चलेंगे, ठाकुर बाबा का पूरा नज़ारा देखेंगे। अभी ठाकुर बाबा के मंदिर पे आ चुके हैं जो अटारघाट के नाम से जाना जाता है। ठाकुर बाबा का मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है और जो मंदिर है तो सभी भाइयों की सुनता है, सभी मतलब दुखियों की सुनता है ठाकुर बाबा। साथियों, मैं ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं करूँगा, तो अभी मैं ठाकुर बाबा के मंदिर पर आ चुका हूँ। ठाकुर बाबा के मंदिर पर दर्शन करेंगे और पूरा नज़ारा देखेंगे। यहाँ पर नारियल फोलने का स्थान है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं इधर में ठाकुर बाबा का मंदिर बना हुआ है। यहाँ पर अभी मैं सुबह के टाइम पर जल्दी आ चुका हूँ और यहाँ पर श्रद्धालु अभी कम है, भीड़ कम ज़्यादा नहीं है, पर लेकिन अभी भीड़ होने शुरू हो चुकी है। तो यहाँ पर बड़ा मेला भरता है, सोमवार के दिन बहुत काफ़ी बड़ा मेला भरता है। यहाँ पर नारियल फोलने का स्थान है, यहाँ पर पंडित वगैरह बैठे हुए हैं और पूरा नज़ारा देखेंगे। यहाँ पर झंडा वगैरह यहाँ पर लगे हुए हैं ठाकुर बाबा पे, वो काफ़ी यहाँ पर सुविधा बहुत ज़्यादा हो चुकी है, जैसे कि साथियों आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा सुविधा हो चुकी है। पहले यहाँ पर ठाकुर बाबा मंदिर पे बहुत काफ़ी सुविधा कम थी, अब यहाँ के ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पर लोग बाग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भीड़ ज़्यादा इकट्ठी होने लगी है और यहाँ पर सुविधा भी काफ़ी होने लगी है, जैसे कि साथियों आप देख सकते हैं ठाकुर बाबा का मंदिर अटार वाले का पूरा नज़ारा देख सकते हैं। इधर में सीढ़ी वगैरह बन चुकी हैं, यहाँ पर बाबा बैठे हुए हैं नाग देवता को लेके और यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर रक्षाबंधन का दिन है, सोमवार का दिन है। तो रक्षाबंधन के दिन में सोमवार के दिन पे यहाँ पर ठाकुर बाबा के मंदिर पे आ चुका हूँ और ठाकुर बाबा का मंदिर का पूरा नज़ारा देख सकते हैं। और भी आगे का वीडियो देखने के लिए बने रहें और पूरी जानकारी आप सभी को मिलती रहेगी। यहाँ पर पंडित जी बैठे हुए हैं ठाकुर बाबा के मंदिर पर। नारियल फूलने का स्थान काफ़ी बड़ा है और काफ़ी यहाँ पर नारियल वगैरह फूटते रहते हैं और आप देख सकते हैं पूरा नज़ारा ठाकुर बाबा के मंदिर का। और यहाँ पर इतनी सुविधा देखोगे तो यहाँ पर सुविधा बढ़ती जा रही है, काफ़ी ठाकुर बाबा की महिमा अपरंपार है, जैसे कि साथियों आप देख सकते हैं। पहले यहाँ पर वैसी सीढ़ी बनी हुई थी, एक प्लेन सा बना हुआ था और यहाँ पर गैंग सा
इटालियन वगैरह यहाँ पर काफ़ी संख्या में मार्बल वगैरह यहाँ पर लगा दिया गया है और यहाँ पर बड़ी बड़ी सीढ़ी बना दी गई हैं ठाकुर बाबा के मंदिर पे। जैसे ही साथियों आप देख सकते हैं पूरा नज़ारा, नीचे का जो मार्केट का नज़ारा देख सकते हैं। यहाँ पर पहले कम दुकानें पाई जाती थी, अब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दुकानें पाई जा रही हैं, भोग प्रसाद से लेकर और यहाँ पर नाश्ता पानी खाना पीना तक की दुकान लगी हुई हैं। बांध साधन भी यहाँ देख सकते हैं, काफ़ी बांध साधन संख्या में मिलेंगे। यहाँ पर बड़े बड़े जाम लग जाते हैं। ये ठाकुर बाबा का मंदिर है, अटार वाले ठाकुर बाबा के नाम से जाना जाता है। सबलगढ़ से 10 किलोमीटर दूरी पर पड़ता है, मंडाल से यहाँ पर 7-8 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। दोस्तों आप देख सकते हैं पूरा नज़ारा, अभी देखेंगे दूसरे मंदिर का भी नज़ारा, अभी देख सकते हैं ठाकुर बाबा का पूरा फुल नज़ारा। और अभी दूसरे मंदिर पर चलेंगे, ठाकुर बाबा से 500 गज की दूरी पर पड़ता है, ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 500 गज की दूरी पर पड़ता है। अभी चलते हैं दोस्तों दूसरे मंदिर पर। जो दूसरा मंदिर है तो माता का मंदिर बना हुआ है, भैरवनाथ का मंदिर बना हुआ है। दूसरे मंदिर पर अपन आ चुके हैं, तो दोस्तों आप देख सकते हैं ठाकुर बाबा के पास में ये मंदिर बना हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में देख सकते हैं पूरा दृश्य। और यहाँ पर मौन जो व्रत रहता है, जो बाबा हमें मिले हैं, जो बोलते नहीं हैं, चालते नहीं हैं, और यहाँ पर जो बाबा रहते हैं प्रतिदिन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी मूर्ति वगैरह यहाँ पर रखी हुई हैं, काफ़ी श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करने के लिए यहाँ पर इस मंदिर पर भी आते जाते रहते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर माता रानी का मंदिर बना हुआ है। तो आप देख सकते हैं पूरा ठाकुर बाबा के पास में ये मंदिर है और ज़्यादा दूरी पर नहीं है, 500 गज की दूरी पर है। तो आप देख सकते हैं पूरा नज़ारा, फुल नज़ारा देख सकते हैं। तो दोस्तों इधर में जिस मंदिर के पास से, ठाकुर बाबा के मंदिर के पास से यहाँ पर भेड़ का नज़ारा इस प्रकार से देखने को मिलता है। नमस्कार साथियों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ में।